कांग्रेस विधायक दल के उपनेता विधायक नूह चौधरी आफताब अहमद जी ने जन स्वास्थ्य विभाग के SE श्री कृष्ण दहिया और XCN प्रदीप कुमार सहित अन्य अधिकारियों की बैठक ली और इलाके में पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के सख्त दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में सिंचाई विभाग के XCN नथुरिया भी मौजूद रहे। चौधरी साहब ने कहा कि किसी भी गांव में पानी की आपूर्ति बाधित ना हो और भीषण गर्मी और रमजान में किसी प्रकार की परेशानी लोगों को नहीं होनी चाहिए। चौधरी आफताब अहमद जी ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने बीते दिनों जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इलाके के विभिन्न गांवों में पीने के पानी की समस्या, सिंचाई व्यवस्था के सुधार के बारे में बताया था। आज सिंचाई व पानी आपूर्ति के कार्यों की रिपोर्ट लेने व उसमें सुधार के लिए अधिकारियों को बैठक ली। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के SE और XCN जो थे उसमें बात करी और ये हमने एक हरियाणा सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा गांव में जो पीने के पानी की दिक्कत थी उनको चिन्हित किया गया था। आज उसी का रिपोर्ट ली गई क्योंकि पिछले समय से शिकायतें आ रही थी उन्हीं गांवों में कि बहुत पानी की दिक्कत है और रमज़ान में गर्मी अत्यधिक होने की वजह से, तो इसलिए हमने तुरंत आज बैठक बुलाई और सभी बिंदुओं पे और सभी गांवों से जो है हमने चाहे वो उदाकी की बात हो, नवाबगढ़, बडेला की, खानपुर, बेवली, देवला, नंगली, छावा, माड़प, हसेड़ा, आकेड़ा, कोटला, जोगीपुर, अडबर और उन शहर की बात हो, सब की जो है करी। और चौधरी साहब ने अधिकारियों से मालव्य घासड़ा महाग्राम परियोजना के कार्य की समीक्षा, सिंचाई विभाग के XCN कथुरिया से सतपुतिया का हुसैनपुर रायपुरी बाबूपुर में पानी की निकासी के लिए 8 करोड़ की लागत से 42 सेलो ट्यूबवेल लगाने के कार्य की रिपोर्ट ली, जिस पर चौधरी साहब ने EIS वीरेंद्र से फोन पर बात कर जल्द से जल्द कार्य को करने की मांग की। बता दें कि इन गांवों में स्वयं ग्रस्त होने के कारण फसल नहीं होती, जिसका मामला चौधरी आफताब अहमद जी लगातार जिला उपायुक्त से लेकर विधानसभा तक उठाते रहे हैं। हमने सुनिश्चित किया है कि आगे भी जल जीवन मिशन में भी जो कार्य शेष रहता है उसको भी पूरी तरीके से करवाया जाए, जहां बिजली के कनेक्शन रह रहे हैं ट्यूबवेल के वहां उनको पूरा कराया जाए। और आज लोगों की ज़रूरत है पीने के पानी की, अप्रैल महीना चल रहा है, अभी गर्मी का मई का जून का महीना और बाकी है, तुरंत प्रभाव से ये काम करवाए जाएँ जिससे लोगों को राहत मिल सके। इसी के साथ साथ आज सिंचाई महकमे के भी अधिकारियों के साथ आज मीटिंग करी और उसमें मुख्यतः 2 मुद्दे जो हमने विधानसभा में भी उठाए हैं कि हमारे यहाँ सेम ग्रस्त इलाका होने की वजह से बहुत से इलाकों में अब की बात तो अत्यधिक बारिश होने की वजह से वैसे ही 30,000 एकड़ के करीब या तो फसल खराब हुई या बुआई नहीं हो सकी, लेकिन सेम ग्रस्त होने की वजह से हमने एक पायलट प्रोजेक्ट विधानसभा में जब मैंने उठाया था तो उसमें सरकार ने उसको संज्ञान लेते हुए करा है। सतपुतिया के हुसैनपुर, रायपुरी और बाऊपुर में 42 ट्यूबवेल लगा के जो है सेम ग्रस्त जो समस्या है उसका निजात पाने के लिए, उसको चेन्नई ड्रेन में डालने के लिए प्रोजेक्ट बनाया है, 8.5 करोड़ का बनाया है। उसी के लिए आज यहीं बैठे बैठे EIC चंडीगढ़ में बात हुई और हम बहुत जल्दी बरसात से पहले पहले इस काम को शुरू कराना चाहते हैं, जिससे बरसात आने से पहले सेम ग्रस्त इनकी जो समस्या है इसमें हो सके और अगले जो सीजन में इन गाँव के लोगों को उसका फायदा मिले। विधायक चौधरी आफताब अहमद जी ने कोटला पंप हाउस में मेवात फीडर कैनाल के कार्य की भी समीक्षा की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर। डियर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब समीम रहणिया यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो टैप द बेल आइकॉन। थैंक यू।